वेलकम गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की वीडियो होने वाली है वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया होगा, आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इंट्रोडक्टरी पार्ट पूरा पढ़ लिया है, राइट? कैसे इस तरह को यूज करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन को इस मेथड के थ्रू आगे बढ़ाते हैं, राइट? आज हमारा क्वेश्चन होने वाला क्वेश्चन नंबर 2, जिसके दो पार्ट है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बोर्ड पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन फ्लैश हो रहा होगा, इसके दो पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इंफिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं और हमें एक हिंट दे रखी है कि ये मैनी सॉल्यूशन को फॉलो करती है। मतलब ये मैनी सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला हमें हिंट में दे रखा है और दो इक्वेशन दे रखी है, और इस क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड करना है ए एंड बी की वैल्यू। क्या फाइंड करना है? ए एंड बी की वैल्यू। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, राइट? आई होप कि आप लोगों ने फर्स्ट जो पार्ट था वो सारे पार्ट्स कर लिए होंगे। मैंने दो पार्ट कराए थे एंड दो पार्ट्स मैंने होमवर्क के लिए दिए थे, राइट? सो स्टार्ट करते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इक्वेशन 2x + 3y = 7, राइट? एंड सेकेंड इज a - kb x + a + kb y = 3a + kb - k2। सो ये हमें इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन में, और हमसे क्या पूछा है कि इसके अंदर जो a और b है, दैट मीन्स ये a और ये b, इनकी वैल्यूज क्या होंगी अगर ये इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन है, राइट? तो सबसे पहले हमें कंपेयर करके फाइंड करना पड़ेगा। देखो, इस मेथड में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं यूज करना कि हम एक्स वाई की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, हमसे पूछा ए एंड बी की वैल्यू। तो ए एंड बी की वैल्यू हम इसमें विदाउट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बताओ, नहीं है, ठीक है? तो हमें वैसे इसकी जरूरत भी नहीं है इसको, इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की। कर भी लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? सो देखो, अगर मैं इसको करूं तो बनेगा 2x + 3y = ये बन जाएगा -k7 = 0, राइट? सेम ये क्वेश्चन बन जाएगी a - kb x + a + kb y, ये इधर जाएगा तो माइनस में सारी चीजें किस में हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी। तो कुछ इस तरीके से, राइट? तो हमने माइनस बाहर आ चुका है, ठीक है? तो ये इस तरह से इक्वेशन बन जाएंगे। तो ये अब इस क्वेश्चन की एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट? ये दोनों वैल्यूज, कांस्टेंट वैल्यू इधर आ चुकी हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। सो क्या करना है, अगर इसको कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0, तो हमें क्या मिलने वाला है? हमें मिलेगा a1 की वैल्यू 2, राइट? एंड b2 की वैल्यू 3 एंड c2 की वैल्यू 7, राइट? सेम हमें a2 की वैल्यू मिलेगी, ये हमारा b1 है और ये c1 है, राइट? और हमें a2 की वैल्यू मिलेगी a - kb, ठीक है? जो भी x ऊपर है वही हमारा a2 बनेगा। तो x के ऊपर ये कंप्लीट वैल्यू क्या है? हमारी a2 बनने वाली है। सेम ये कंप्लीट वैल्यू क्या बनेगी? b2। तो सेम b2 = a + kb, सेम c2 = माइनस का साइन उठा के चलना होता है तो क्या बनेगा? -3a + kb - k2, राइट? सो ये हमारी वैल्यूज आ चुकी हैं। आई होप आपके पास समझ में आ रही होगी। अब हमें क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, हमें क्वेश्चन ने बोला था कि मैनी सॉल्यूशन है। अब मैनी सॉल्यूशन का फॉर्मूला कौन सा होता है? वो होता है, देखो, कुछ इस तरीके से a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये तो फॉर्मूला होता है मैनी सॉल्यूशन का। क्यों? क्योंकि ये मैनी सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन, राइट? अब देखो, हमारे पास a की वैल्यू है, b की वैल्यू, हमें इन सब की वैल्यू है, बस वैल्यू पुट करना है और आंसर हमारे सामने आ जाएगा। जैसे कि a1 की जगह a2 क्या जाएगा? 2 और ये, ठीक है? तो आ जाएगा 2/a - kb, राइट? सेम इसकी जगह आ जाएगा ये अपॉन ये, तो ये आ जाएगा 3/a - kb, राइट? सेम c1 c2 की जगह आ जाएगी ये वैल्यू, तो -k7/(-k)3a + kb - k2, राइट? अब गाइस, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या? 2/a - kb = 3/a - kb, ये प्लस था, ये a2 हमारा, अच्छा b2 प्लस था, ठीक है? ये प्लस में आएगा, ये माइनस में ही था।
सो माइनस माइनस कैंसिल, तो कितना बचेगा 3a प्लस के बी माइनस के 2, राइट। आई होप आपको ये सारी बातें बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ रही होगी। हम अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, बस हमने कंपेयर किया है, कंपेयर करके वैल्यूज पुट कर दिए और कुछ भी नहीं किया है, राइट। और ये फॉर्मूला हमें क्वेश्चन में इसकी हिंट दी हुई थी मैनी सोल्यूशन के, इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन के थ्रू, राइट। सो स्टार्ट करते हैं फिर से। अब क्या करना है हमें, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करना है? देखो ये तीनों बराबर में, मतलब कंपेयर का मतलब क्या है कि ये तीनों आपस में बराबर है, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये तीनों ही आपस में इक्वल है, तो हमें यहां से कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर। सो ऑन कंपेयरिंग हम किसी भी दो वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग जैसे अगर मैं इसको कंपेयर करूं 2 अपॉन ए माइनस के बी बराबर 3 अपॉन ए प्लस के बी, राइट, या फिर इसको इसे कर लूं या फिर इन दोनों कर लूं, ए की बात होने वाली है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ए प्लस के बी बराबर 7 अपॉन 3 ए प्लस के बी माइनस के 2। तो हम लोगों ने क्या किया है, इसको कंपेयर कर लिया है, किसको? इन दोनों को एंड इन दोनों को, राइट। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही आपस में बराबर है, राइट। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? 2 ब्रैकेट में a प्लस के बी इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में a माइनस के बी, राइट। इस ब्रैकेट को ओपन करें तो क्या मिलेगा? 2a प्लस के 2b इज इक्वल टू 3a माइनस के 3b, राइट। और अगर हम इसको और सॉल्व करें सो ये इधर जाएगा, b उधर जाएगा, तो हमें मिलेगा 2a माइनस के 3a बराबर 2b माइनस के माइनस का ए बचेगा और ये माइनस के 5b बचेगा, माइनस माइनस कैंसल, माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, राइट। तो कितना बचेगा? a बराबर 5b। तो a की वैल्यू हमें क्या मिल गई है? हमें a की वैल्यू मिल चुकी है 5b, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो। काफी इजी क्वेश्चन है। तो अगर इसको ए की वैल्यू को यहां पुट करें तो बनेगा 3 ब्रैकेट में 3 अपॉन ए की जगह 5b पुट कर सकते हैं, तो 5b प्लस के b, राइट। सेम 7 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई ए की जगह 5b, तो यहां a है तो क्या जाएगा? 5b प्लस b माइनस के 2, राइट। आई होप आपको सारी बातें विजिबल होंगी। सेम 3 अपॉन 5b और b जुड़ के 6b हो जाएगा एंड बराबर 7 अपॉन इसके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 3 जो 15, 15b प्लस के b माइनस के 2, राइट। फिर से इसको आगे की तरफ और सॉल्व करें तो 3 अपॉन 6b बराबर 7 अपॉन 16b माइनस के 2। तो इस तरीके से हमने इसको अभी तक सॉल्व कर लिया है। अगर इसको आगे भी और सॉल्व करें तो स्पेस तो यहां पे है नहीं, तो यहां पे थोड़ा रफ कर लेते हैं। राइट, तो यहां पे देखो हमारा क्या चला आ रहा था। देखो हमने अभी तक क्या किया है, हमारी a की वैल्यू आ चुकी है 5b, राइट। एंड अभी यहां पे हमारा क्या चल रहा है, 3 अपॉन 6b इज इक्वल टू 7 अपॉन 16b माइनस के 2, राइट। अगर इसको और सॉल्व करें तो 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, तो कितना बचेगा? 1 बाई 2b इज इक्वल टू 7 अपॉन 16b माइनस के 2। इसको सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो क्या जाएगा? 6b माइनस के 2, 7 इंटू 2b, राइट। मतलब ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो इसको सॉल्व करें तो 16b माइनस के 2 बराबर 14b, राइट। 14b इधर आएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो 16b माइनस 14b बराबर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2b बचेगा बराबर 2 और b की वैल्यू हो जाएगी 1। तो आई होप आपको इस कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी। हमें a की, देखो a की अभी तक हमें कंप्लीट वैल्यू नहीं पता, तो हम क्या करें, लेकिन b की तो पता चल चुकी कंप्लीट वैल्यू, तो इस b की वैल्यू को यहां पुट कर लेंगे, ठीक है। सो a कितना जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 1, तो a आ जाएगा हमारा 5। तो हमें इस तरीके से a की वैल्यू भी पता लग गई है और b की वैल्यू भी पता लग गई है। यहां देखो, यहां पे आप रीजन में यहां पे लिख सकते हो जो हमने यहां पे यूज किया था कि a बराबर 5b है, a बराबर 5b है, क्यों? हमने अभी सॉल्व किया यहां पे, ठीक है, जस्ट प्रूव्ड, इसको यूज कर सकते हैं। सिर्फ यहां अगर इसको यूज कर रहे हो तो यहां भी हमें लिखना पड़ेगा कि b की वैल्यू हमने 1 फाइंड करी है,
राइट। सो बड़े आसान तरीके से हम इसमें ए और बी के वैल्यू फाइंड कर पाए हैं बड़े इजी तरीके से। तो काफी इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो चलते हैं इसके पार्ट टू की तरफ। सो गाइस पार्ट टू इज, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, इसमें क्या बोला गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। मतलब हमें दो इक्वेशन दी हुई है और हमें बोल रखा है नो सॉल्यूशन, और हमें इसके अंदर के की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते हैं देखो कैसे होगा। तो ये क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड पार्ट है, राइट। क्वेश्चन नंबर टू में दो पार्ट थे, सो 3x प्लस वाई बराबर 1 एंड सेकंड इज 2k माइनस के 1 एक्स प्लस के माइनस के 1 y बराबर 2k प्लस के 1, राइट। तो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है और हमें एक हिंट में क्या बोल रखा है कि यूनिक सॉल्यूशन है। कौन सा यूनिक सॉल्यूशन? तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या, देखो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कि हमें ये वाला फॉर्मूला गिवन है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये वाला बराबर c1 अपॉन c2, राइट। तो क्वेश्चन में हमें इसमें बोल रखा है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन, नो सॉल्यूशन दे रखा है, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन होता तो कुछ इस तरह से हमें गिवन होती बात, राइट। तो हमें लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, नो सॉल्यूशन। तो हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, नो सॉल्यूशन के थ्रू। नो सॉल्यूशन ग्राफ कैसे आता है, देखो ग्राफ इस तरह से पैरेलल ग्राफ आता है इसका, आप लोगों ने सीखा होगा, राइट। सो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, सेम सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट, 3x प्लस वाई माइनस के 1 बराबर 0 सेम 2k माइनस के 1 एक्स प्लस के माइनस के 1 y, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएंगे 2k प्लस का 1, तो ब्रैकेट में लगा दिया, ठीक है, ये बराबर 0, ठीक है। सो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, हमें कंपेयर करना है। सो ऑन कंपेयरिंग a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ऐसा करने पे हमें क्या मिलेगा, राइट, हमें मिलेगा a1 की वैल्यू मिली 3, b1 की वैल्यू मिली 1 एंड c1 की वैल्यू मिली माइनस के 1, राइट। सेम a2 की वैल्यू क्या मिलेगी, अब तो आप इसको बड़े आसान से कर पा रहे होंगे, 2k माइनस के 1। सेम b2 की वैल्यू k माइनस के 1, राइट। सेम c2 की वैल्यू माइनस 2k प्लस 1, राइट। तो हमने बड़े इजी तरीके से इसको यहां पे कंपेयर कर लिया है, ये ऊपर वाला, राइट। तो ये हमें a2 की वैल्यू कंप्लीट है और ये हमारे पास b2 की वैल्यू और ये पूरा c2, राइट। सो हमने कंपेयर कर लिया, अब हमारे पास फॉर्मूला कौन सा गिवन है, फॉर्मूला हमें दे रखा है क्वेश्चन में नो सॉल्यूशन। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम सोचें तो देखो हम कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये हमारा फॉर्मूला होता है नो सॉल्यूशन का। कौन सा? नो सॉल्यूशन का। तो नो सॉल्यूशन का अगर देखें इसको, आई होप आपको ये फॉर्मूला विजिबल होगा, दोबारा लिख देते हैं अगर विजिबल नहीं है तो, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, राइट। ये आपका नो सॉल्यूशन फॉर्मूला होता है, नो सॉल्यूशन, राइट। देखो अगर हम इसके वैल्यू पुट करें तो 3 और कितनी आएगी यहां पे, 3 अपॉन 2k माइनस के 1, राइट। सेम b1 की b2 की वैल्यू पुट करें तो ये आएगी 1 अपॉन k माइनस के 1 एंड इसके वैल्यू आने वाली है माइनस के 1 अपॉन माइनस के 2k प्लस के 1, राइट। तो ये हमने वैल्यू यहां पे पुट कर दिया। देखो अब यहां पे और पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, देखो इस क्वेश्चन में हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, हम इस वैल्यू को किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये डज नॉट इक्वल टू में है, इसमें डज नॉट इक्वल टू में, क्योंकि बराबर में सिर्फ यहीं पर है, तो हम इन्हीं दोनों को कंपेयर कर सकते हैं सिर्फ, ठीक है, इसलिए बस यही इसका मतलब है। तो ऑन कंपेयरिंग 3 अपॉन 2k 1 अपॉन k माइनस के 1, यहां से हम बड़े इजी तरीके से, बड़े आसान तरीके से हम लोग वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर क्रॉस करें तो क्या आएगा, 3k माइनस के 3, 3 के बटे 2 से हो जाएगी और ये सेम ही रहने वाला है, राइट। फिर से इसको सॉल्व करें तो 2k इधर आएगा, 3 वहां चला जाएगा, सो 3k माइनस के 2k बराबर माइनस के 1 प्लस के 3,
राइट, ये थ्री उधर जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, और यहाँ माइनस का वन पहले से ही था। सेम इसको सॉल्व करा तो के बचेगा, ये कितना बचेगा टू, तो के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास टू आ गई। मतलब इस क्वेश्चन में जो यहाँ पे के था तो वहां पे के की जगह क्या होना चाहिए टू होना चाहिए नो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन बड़ी आसानी समझ में आया होगा। हमने क्या किया, सिर्फ हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ था और हिंट दे रखी थी हमारे पास नो सॉल्यूशन की, किसकी नो सॉल्यूशन की। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, कंपेयर किया ए वन ए टू बी वन बी टू, इन सब की वैल्यू फाइंड करी और हमने रेशियो में रख दिया और कंपेयर करके हमारा आंसर बड़ी आसानी से आ चुका है, राइट। सो ये था क्वेश्चन नंबर टू का सेकेंड पार्ट। अगर हम बात करें इसके, क्वेश्चन नंबर टू तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, अगर बात करें थर्ड क्वेश्चन की, सो क्वेश्चन नंबर थ्री जैसे कि आप लोगों को बोर्ड फ्लैश हो रहा होगा, इसमें क्या बोल रखा है, दो इक्वेशन हम लोगों को दे हुई है और मैं सॉल्व करना है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब हमें इक्वेशन दे रखी, जैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राइट। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है दो इक्वेशन है, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, राइट। तो हमें इक्वेशन दे रखी है और हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो आप लोगों को दोनों ही मेथड कराए जा चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कराया जा चुका है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों ही मेथड का, बल्कि हमने अभी तक सारे मेथड आप लोगों को बता दिए हैं, राइट। हमने ग्राफिकल, अभी तक हमने कौन कौन से मेथड आप लोगों को पढ़ाए हैं, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस, राइट। तो चारों ही मेथड, अब आप लोग चारों ही मेथड से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे अगर आपने सही से प्रैक्टिस करी है तो, राइट। सो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप कर पाओगे आपके होमवर्क के लिए, राइट। आप इसको तीनों मेथड से, बल्कि चारों मेथड से सॉल्व करके देख सकते हो एज ए प्रैक्टिस, राइट। सो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। सो चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का फायदा उठा सकें, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पावर आईक्यू को, राइट। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ़।